अक्सर ऐसा होता है ना कि घर में सब्जी नहीं है, सिर्फ प्याज और टमाटर पड़े हुए हैं और आप समझ नहीं आ रहा कि खाने में फटाफट से क्या बनाएं, या फिर रोज के खाने से जब बोर हो जाते हैं तो कुछ नया क्या बनाया जाए। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत बहुत टेस्टी, अपने आप में बहुत यूनिक स्टाइल से बनने वाली मुंबई की फेमस बॉम्बे चटनी। महाराष्ट्र में बॉम्बे चटनी बहुत ही पॉपुलर है, सुबह के ब्रेकफास्ट हो, खाना हो, सबके साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। खास बात, बॉम्बे चटनी सिर्फ चटनी नहीं है, सब्जी भी है। पूड़ी, चपाती, इडली, डोसा, वड़ा, किसी के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। मल्टीपर्पज, मजेदार, लाजवाब। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुपर टेस्टी क्विक एंड इजी बॉम्बे चटनी बनाने के लिए सबसे पहले आप गैस पर रखें एक कढ़ाई, फ्लेम को कर दें मीडियम और मीडियम फ्लेम पर इसमें हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों, और अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 पिंच हींग, ये मैंने लिए 1 छोटी चम्मच चना दाल, बहुत ही जबरदस्त इससे फ्लेवर आएगा। साथ ही इसमें जाएगी 1 छोटी चम्मच सफेद उड़द दाल। अच्छी तरह सभी चीजों को सौटे करेंगे, फ्लेम को लो मीडियम कर देंगे जिससे कोई भी चीज जले नहीं। बड़ी झटपट बनने वाली एकदम जबरदस्त टेस्टी बॉम्बे चटनी होती है, इसे बेसन चटनी भी कहा जाता है। साथ ही इसमें जाएंगे थोड़ा सा करी पत्ता, 2 सूखी वाली लाल मिर्च यानी ड्राई रेड चिली, अच्छे से सौटे करेंगे, 2 हरी मिर्च कटी हुई, 1 छोटी चम्मच अदरक ग्रेटेड, और सभी चीजों को बढ़िया से मिक्स करेंगे। 1 मिनट इस तरह से लो फ्लेम पर भूनने के बाद अब इसमें जाएगी 2 प्याज जिसे मैंने रफली कट कर लिया है, मान के चलिए 1 कप के करीब मैंने प्याज ली है, और प्याज को भी सभी चीजों के साथ मिक्स करते हुए, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है यहाँ प्याज को, सिर्फ इतना भूनना है कि ये सॉफ्ट हो जाए और ट्रांसलूसेंट हो जाए। तो इस तरह लगातार चलाते हुए प्याज को थोड़ा भूनेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, घर में जब सब्जी ना हो ना आप इसे ही बनाइएगा, मजा आ जाएगा खाकर। और साउथ में तो इसको पूड़ियों के साथ खाया जाता है, तो इसे पूरी करी भी बोलते हैं यहाँ पर। तो इडली के साथ खाइए, डोसे के साथ खाइए, वड़े के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए, पराठा, चावल, सबके साथ हिट है एकदम। क्योंकि प्याज टमाटर 2 ऐसी बेसिक चीजें हैं, वो जनरली सभी घर में रहती ही हैं। सब्जी खत्म हो ही जाती है इस सिचुएशन में, जब हम बार बार बाहर जा नहीं सकते, तो ये बहुत सही आपको लगेगी। और ये देखिए हमारी प्याज हो गई है ट्रांसलूसेंट यानी कि शाइनी, लेकिन बहुत ज्यादा हमें इसको कलर चेंज या भूनना बिल्कुल भी नहीं है, तभी इस चटनी का बेहतरीन स्वाद है। ये देखिए आप देख रहे हैं ना, इसमें एक शाइन सी आ गई है, तो बस इस स्टेज तक ही हमें इसको भूनना है। और इस स्टेज पर अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टमाटर जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, तो टमाटर भी इसी स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से प्याज के साथ भून लेंगे, जब तक कि थोड़ा सा सॉफ्ट और मशी सा ना हो जाए, यानी बढ़िया से गल ना जाए इसमें। और टमाटर डाला है तो साथ में जाएगा इसमें 1 छोटी चम्मच नमक, और डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, और अच्छी तरीके से दोनों चीज को मिक्स कर देंगे। अच्छा, टमाटर डालना ना यहाँ पर आपकी चॉइस है, अगर आप नहीं खाते या घर में टमाटर भी नहीं है, मैं भी बगैर टमाटर के बनाती रहती हूँ, तो आप इसे बगैर टमाटर के भी बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनेगी, और अगर टमाटर हो तो जरूर डालिएगा। अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर भूनेंगे। उन सभी लोगों के लिए जो बैचलर्स हैं या जिन्हें ज्यादा खाना नहीं आता बनाना या ज्यादा सामान उस वक्त नहीं है, तो आप फटाफट से ही बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे टमाटर भी बिल्कुल बढ़िया से पक गए हैं, एकदम मशी से हो गए हैं सॉफ्ट। तो बस इस स्टेज पर अब इसमें हम डालेंगे 2 कप पानी, मान के चलिए 500 ml हम डालेंगे पानी, पूरा 2 कप पानी, अच्छे से कर दीजिए मिक्स, परफेक्ट। और आप लो फ्लेम पर पूरे 8 से 10 मिनट के लिए लगा दीजिए लिड, इस पर ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर इसे पकने दें। अब आप लें एक छोटा बोल या कटोरी, और उसमें मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच बेसन, लगभग इतना, और बेसन में डालेंगे लगभग 50-60 ml वाटर, मान के चलिए 1/4 कप से 1/2 कप के करीब हम डालेंगे पानी, और अच्छी तरीके से इसका एक पतला घोल बना लेंगे, लम्फ फ्री घोल तैयार करें इस तरह अच्छे से मिला करके।
बेसन इसको देगा एक जबरदस्त टेस्ट, इसीलिए इसे बॉम्बे बेसन चटनी भी कहा जाता है। बहुत ही अलग और टेस्टी चटनी। तो चलिए लगभग 8 से 10 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि प्याज एकदम ट्रांसपेरेंट और सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये देखिए, अब भी इस स्टेज पर आप देख सकते हैं प्याज ट्रांसपेरेंट भी हो गई है और एकदम सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल बढ़िया सॉफ्ट। तो बस इतने तक हमें इसे पकाना होगा। और अब जो हमने घोल तैयार किया बेसन का, उसको इस तरह से चलाते हुए धीरे धीरे हम अपनी चटनी में डालते जाएंगे और लगातार मिक्स करते जाएंगे। थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि चटनी गाढ़ी होने लगेगी और कलर चेंज, देख रहे हैं ना आप, देखिए कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है और थिकनेस बढ़ रही है। फ्लेम लो है, लगभग 2 से 3 मिनट आप इसे लो फ्लेम पर और पकाएं बेसन डालने के बाद। और ये देखिए क्या मस्त हमारी बॉम्बे चटनी बनी है। और आपने देखा कितना सिंपल सा सामान जो घर में रहता ही है और फटाफट बनने वाली एक जबरदस्त टेस्ट के साथ। तो बस जब आप इस तरह मिला लें, लगभग 1 मिनट बाद ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज का उबला हुआ आलू, जिसे मैंने क्रश कर लिया है। बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन सच मानिए डालकर देखिएगा, मजा आ जाएगा। फिर ये आपको किसी सब्जी से कम नहीं लगेगी। तो मैं डाल देती हूँ 1 उबला हुआ आलू मैश्ड। यहाँ साउथ में इसको इसी तरह बनाया जाता है, बहुत बढ़िया लगती है। आलू आपकी जैसे मैंने बताया पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप लाइक करें तो डालें वरना इसके बगैर आप तैयार कर सकते हैं। आलू को भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और 2 मिनट पका लेंगे। और ये देखिए परफेक्ट थिकनेस, और इसमें एक अलग सी शाइन होती है, ट्रांसपेरेंसी। ये देखिए लग रही है ना एकदम मस्त। पूरी पराठा रोटी इडली डोसा वड़ा किसी के भी साथ खाइए, जबरदस्त चटनी। स्पेशली महाराष्ट्र में इसे ब्रेकफास्ट चटनी बोला जाता है और अपने टेस्ट में एकदम लाजवाब। थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी बॉम्बे बेसन चटनी, जबरदस्त टेस्टी और मुंह में पानी ला दे ऐसा इसका स्वाद है। तो गैस को करेंगे बंद, और गैस बंद करने के बाद फाइनली मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच नींबू का रस, जो इसमें बहुत ही मजेदार स्वाद देता है। और कर देंगे मिक्स नींबू के रस को भी। तो चलिए करते हैं सर्व। तो लग रही है क्या किसी सब्जी से कम, जबरदस्त टेस्टी चटनी भी और सब्जी भी। और ये लीजिए हमारी मिनटो में तैयार बॉम्बे बेसन चटनी। अब आप इंजॉय कीजिए किसी भी पूरी इडली डोसा, मजा आ जाएगा इससे डोसा खाकर तो। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी बॉम्बे बेसन चटनी, लग रही है ना एकदम टेम्पटिंग, खाने में भी बहुत बहुत टेस्टी है। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि जब आप इसे एक बार टेस्ट करेंगे ना, आप अपनी सब्जियां भूल जाएंगे, आप इसी को बनाना चाहेंगे रोज खाने में। सभी तरीके के ब्रेकफास्ट के साथ, सभी तरीके के पराठे रोटी किसी चीज के भी साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ चटनी ही नहीं, चटनी कम सब्जी है। और जिस तरह से मैंने इसमें मैश्ड आलू डाला है, उसके बाद तो इसका स्वाद 100 गुना बढ़ गया है। जरूर ट्राई करने वाली रेसिपी है फ्रेंड्स, आप बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। और जब आप ये बॉम्बे चटनी पूरियों के साथ खाएंगे ना, मजा आ जाएगा। मेरी गर्मा गर्म पूरी है बिल्कुल तैयार, तो मैं एंजॉय करने वाली हूँ इस बॉम्बे चटनी को पूरी के साथ। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ कचौड़ी के साथ आलू की सब्जी का कॉम्बिनेशन होता है, साउथ में पूरी करी का होता है, और ये करी सर्व की जाती है, मजा आ जाता है। सुपर डिलीशियस है फ्रेंड्स, अब रुक नहीं सकती मैं, ये तो मुझे पूरी दोनों खत्म करनी होगी। आप जाइए किचन में बनाइए, मुझे जरूर बताइएगा अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में बॉम्बे चटनी की रेसिपी आपको कैसी लगी। जबरदस्त स्वादिष्ट मटर की चाट, 1 कप सफेद वाली मटर, 1 कच्चा आलू, 1 छोटी चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच ऑयल, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग, 1 बड़ी चम्मच हरी मिर्च, 1 बड़ी प्याज, अदरक लहसुन पेस्ट, बारीक कटे हुए टमाटर, नमक, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, चम्मच धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, हरा धनिया। बार कर देंगे इसको मिक्स। हरे धनिया की चटनी, यानी कि मीठी सॉस। थोड़े से डाल रही हूँ पोटैटो चिप्स, बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, फटा हुआ दही, बारीक कटे हुए टमाटर, का रस, बारीक वाली सेब, हरा धनिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ 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 ढेर सारे लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी ज़रूर दें। सभी रेसिपीज़ की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।